माता का नाम भीमाबाई था और पिताजी का नाम रामजीराव सतपाल था। दादाजी का नाम मालोजीराव था और वे उस समय पे जन्म हुआ उनका कि जिस जाति से वो आते हैं उस समय वो क्या बहुत सारे लोग थे जो कीड़े मकोड़ों की जिंदगी बसर करते थे, परंतु धन्य है बाबा साहब और धन्य है वो माँ भीमाबाई जिसने ऐसे सपूत को जन्म दिया कि करोड़ों वर्ष की गुलामी को बाबा साहब ने अपनी कलम से काट दिया, तोड़ दिया और हमें आजाद कर दिया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जी का ये जन्मदिन केवल लेडी हार्डिंग के अंदर ही नहीं बल्कि हर स्टेट के अंदर, पूरे भारतवर्ष के अंदर, बल्कि विदेशों में भी मनाया जा रहा है। और ये हम जन्मदिन क्यों मनाते हैं? केवल इसलिए कि उनकी जो शिक्षा है उसको हम आगे बढ़ाएं, उनके जो अच्छे कार्य किए हैं उनको आगे बढ़ाएं। बात करते कर रहे थे अभी मेरे से पूर्व वक्ता कि बाबा साहब अंबेडकर ने बहुत संघर्ष किया और हमें आज बहुत कुछ दे गए, परंतु याद कीजिए उस समय को जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लाइब्रेरी के अंदर पढ़ा करते थे। उस समय मात्र 3 या 4 घंटे वो आराम किया करते थे, बाकी का समय उनका पढ़ने में व्यतीत होता था। लाइब्रेरी खुलने से पहले लाइब्रेरी पहुंचना और जब सब जा चुके होते थे तब वो जो लाइब्रेरियन था कहना पड़ता था कि बाबा साहब अब तो आप चले जाइए, अब सब लोग जा चुके हैं और लाइब्रेरी बंद करने का समय आ गया है। उस समय तक भी पढ़ते थे वो। पानी पीने का जो अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया, शिक्षा का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया, यहां तक कि अगर हम आज इतने अच्छे पदों पर विराजमान हैं और इतने अच्छे अच्छे व्यवसाय कर रहे हैं और इतने अच्छे मकान के अंदर बैठे हुए हैं, कोट पैंट टाई हम लगा रहे हैं, ये सब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। बाबा साहब ने पूरे पूरे दिन भूखे रह करके अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाया, यहां तक कि वो एक ब्रेड पीस खाया करते थे कभी कभी तो, ताकि ये पता लग जाए कि समय बहुत कम है उनके पास में और बहुत कुछ काम करना है। तो इसलिए साथ वास्तव में ही उनके पास में बहुत समय कम था और काम बहुत ज्यादा थे। उन्होंने अपने 5 संतानें हुई उनके और उसमें से 4 संतानें उनके मृत्यु को प्राप्त हुई, और जिस समय उनके संतान मृत्यु को प्राप्त हुई एक संतान का जिक्र करते हुए मैं बताना चाहूंगा कि जिनका नाम राज रतन था। राज रतन की जिस समय बीमार पड़े और उस समय बाबा साहब बाहर पढ़ने के लिए गए हुए थे, वहां से आने के बाद में जब पता लगा कि राज रतन बीमार है, उस समय वकालत कर रहे थे वो यहां, राज रतन को देखने के लिए समय नहीं था और रमाबाई जो उनकी पत्नी थी उन्होंने एक संदेशा भिजवाया कि आपका राज रतन बहुत बीमार है, आप इसके लिए कुछ कीजिए। तो उनके पास में दवाई दिलाने के लिए पैसे तक भी नहीं थे और जब बाबा साहब वहां पर पहुंचे तो उनके राज रतन की मृत्यु हो चुकी थी। यहां तक कि उनके पास में इतने पैसे भी नहीं थे कि उनको एक कफन मुहैया करा सके। जिस समय वहां पहुंचे दाढ़ मार करके रोए क्योंकि राज रतन को बहुत बड़ा आदमी बनाना चाहते थे लेकिन वो उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। जिस समय रमाबाई ने उनको संदेशा भिजवाया तो वो कह रहे थे कि आप, रमाबाई कह रही थी कि आपका राज रतन बहुत बीमार है इसे देखिए। तो बाबा साहब ने कहा था कि एक राज रतन ही नहीं, इस भारतवर्ष की मेरी जितनी भी संतान, जितने भी लोग हैं, पीड़ित हैं, दलित हैं, शोषित हैं, वो तमाम मेरी संतान है और मैं उनके लिए काम कर रहा हूं। तो ऐसी महान विभूति का जन्मदिन, ऐसी शख्सियत का जन्मदिन हम केवल एक ही दिन ना मनाएं, पूरे वर्ष मनाना चाहिए। और अप्रैल का महीना इतना पावन महीना है कि
कि ये पूरे महीने बाबा साहब अंबेडकर का जन्मदिन मनाया जाता है। दोस्तों जैसे बताया कि समय कम है, बताने के लिए बहुत कुछ है, जैसे डॉक्टर राजपाल भी कह रहे थे बताने के लिए बहुत कुछ है लेकिन समय कम है, तो मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए इतना जरूर कहूंगा कि अगर हम सच्चे दिल से उनको याद करते हैं और उनका जन्मोत्सव मना रहे हैं तो हमें उनको पढ़ना भी चाहिए। पढ़ने से क्या होगा, हमें पता लगेगा कि उन्होंने संघर्ष कितना किया है, किन किन लोगों के लिए किया है। जो भारतीय संविधान की बात कर रहे थे, भारतीय संविधान एक दिन के अंदर बनकर तैयार नहीं हुआ, 2 साल 11 महीने 18 दिन के अंदर भारतीय संविधान की रचना हुई। कितना लंबा संघर्ष किया उन्होंने, और पढ़ने की आदत जो उनकी बताई, लास्ट समय में भी जिस समय वो यहाँ इस दिल्ली के अंदर 26 अलीपुर रोड के ऊपर 6 दिसंबर 1956 में जब उनका देहांत हुआ तब भी वो एक किताब लिख रहे थे, भगवान बुद्ध और उनका धर्म। ये उनकी लास्ट किताब थी, जो ग्रंथ है बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म के अंदर उन्होंने बहुत कुछ लिखा, समाज के बारे में भी लिखा, तमाम चीज़ों के बारे में उन्होंने लिखा, और इसीलिए उनको हम तमाम लोग याद करते हैं। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं अपनी बात को यहीं विराम दूंगा। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।